वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में ये बात करने वाले, जब आप प्ले स्टोर एप्लीकेशन में आप फेसबुक अपडेट करते हो या इसको इंस्टॉल करते हो, यहाँ पर आपको आ रहा है कैन नॉट इंस्टॉल फेसबुक ऐप। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले, अपने वीडियो तक जरूर देखने और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों यहाँ पर आपने सबसे पहले काम अपने ये करना है कि आपने स्क्रीन पर जाने और यहाँ पर आपने मोबाइल की सेटिंग में आना है। यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे यहाँ पर आपने ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। तो आप जैसे ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे फिर आपने ऐप सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने गूगल सर्च करना है। तो आप जैसे यहाँ गूगल सर्च करेंगे यहाँ पर आपको गूगल प्ले स्टोर मिल जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर यहाँ पर आपको नहीं आ रहा दोस्तों फिर आपने करना है कि आपने दोबारा स्क्रीन पर आना है, यहाँ पर आपने प्ले स्टोर दोबारा यहाँ से सर्च करना है। तो आपने दोस्तों प्ले स्टोर पर 2 सेकंड के लिए अपनी उंगली लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पर आपने एफ एन फो पर क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पर दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने स्टोरेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने क्लियर कैचर करना है। फिर आपने क्लियर स्टोरेज पर क्लिक करके इसको ओके करना है। फिर आपने बैक ओके आने और यहाँ पर फ्रेंड जितनी परमिशन है आपने सबको यहाँ से अलाउ करनी है। तो यहाँ पर आपने परमिशन अलाउ करनी है और नीचे आपने इसको यहाँ से ऑन करना है, ठीक है फ्रेंड, लोकेशन वगैरह। तो इसके बाद फ्रेंड आपने फिर ये करना है कि आपने बैक ओके आने और यहाँ पर दोस्तों आपने काम और भी करना है, मोबाइल की सेटिंग में अगेन आने, यहाँ पर आपने सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना है। जिस सिम पर आप नेट यूज़ कर रहे हो उस पर आपने क्लिक करना है। तो सॉरी यहाँ पर मैं टेलीनॉर सिम यूज़ कर रहा हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपने एक्सेस पॉइंट पर क्लिक करते हुए आपने 3 डॉट पर क्लिक करना है, रिसेट टू डिफॉल्ट पर आपने क्लिक करना है, ये आपका रिसेट हो जाएगा। फिर आपने बैक ओके आने दोस्तों, यहाँ पर आप प्रीपेड नेटवर्क टाइप पर क्लिक करके आपको जो नेटवर्क पसंद है आप रख सकते हैं, 3G या 4G। आपने बैक ओके आने दोस्तों, यहाँ पर आपने करना ये कि आप जैसे ही बैक ओके आएंगे यहाँ पर आपने रोमिंग अगर ऑफ है तो आपने इसको ऑन करना है। आपने एक बार दोस्तों मोबाइल डेटा ऑफ करना है, फिर आपने ऑन कर फ्रेंड्स डेटा ऑफ ऑन करने के बाद आपने अगेन फिर आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है और आप जैसे ही प्ले स्टोर में दोबारा आप आएंगे तो यहाँ पर आपने सर्च में लिखना है फेसबुक। तो अब यहाँ पर दोस्तों आप जैसे फेसबुक सर्च करेंगे अपने अपडेट पर क्लिक करने, तो फ्रेंड यहाँ पर जो है आपकी वो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। यहाँ से आप ईजिली जो है फेसबुक को अपडेट कर सकते हैं। आपने कुछ 5-6 सेकंड इसके लिए फ्रेंड्स वेट करना है। तो फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरह से फेसबुक एप्लीकेशन को इस तरह से अपडेट कर सकते हैं, जो आपको मसला आ रहा था एरर वो यहाँ से सॉल्व हो चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।